Hello, children. Welcome back. Today, we are going to learn chapter 5 of your English grammar and composition book. And our today's topic is one and more than one numbers. As we have already read previous four chapters, and I hope you are revising all those topics time to time. Okay. Now, come to the topic. I am explaining it in Hindi clearly. Okay. Chapter number 5. वन एंड मोर देन वन नंबर्स पेज नंबर थर्टी टू निकालिए ओके चलिए इस टॉपिक को आप लोग को मैं बता दूं कि ये जो टॉपिक है या कोई भी ग्रामर का टॉपिक हो इस टॉपिक के तो ये सब टॉपिक को तो बहुत अच्छे से पढ़ा कीजिए सीनियर क्लास में बहुत काम देगा ठीक है यही सब बेसिक नॉलेज जो है बहुत काम देने वाला है आप लोगों को है ना न, तो ये सब पढ़ेंगे अच्छे से और नोट कर लेंगे कॉपी में और वीडियो को अगर जहाँ नहीं समझ में आएगा तो पॉज करेंगे फिर से रिवाइज़ करेंगे फिर से उसे प्ले करके देखेंगे ठीक है तो इस तरीके से बार बार देखिए और समझिए जिसे नहीं समझ में आता है ठीक है तो अगर और स्लो करके भी देख सकते हैं है ना तो चलिए अब टॉपिक पर आते हैं वन एंड मोर देन वन मीन्स एक और एक से अधिक नंबर्स वचन यहाँ नंबर्स का मतलब है वचन ग्रामेटिकल टर्म में ओके एक और एक से अधिक का क्या मतलब है अब यहाँ पे हम लोग एग्ज़ाम्पल से समझते हैं स्टडी दीज वर्ड्स इन वर्ड्स को पढ़िए तो थोड़ा सा समझ में आएगा क्योंकि पहले भी आप लोग इस चीज़ को पढ़ चुके हैं ओके बुक एंड बुक्स कॉलम ए में एक वर्ड दिया गया है बुक कॉलम बी में उसी के सीध उसी के सीधे में एक वर्ड दिया गया बुक्स अब दोनों में क्या डिफरेंस है तो बुक मीन्स होता है किताब ठीक है बुक्स मीन्स होता है किताबें तो दोनों का क्या मतलब है बुक मीन्स एक किताब किताब मीन्स एक किताब और किताबें मीन्स एक से अधिक बहुत सारी किताबें हो सकती है ठीक है तो ये वन है और ये मोर देन वन है मीन्स ये एक और ये एक से अधिक जो हमारा टॉपिक है है ना तो बस वही यहाँ से यहाँ पर डिनोट होता है बेंच बेंचेज मीन्स वन मोर देन वन बॉक्स बॉक्सेज टॉय टॉयज मैन मैन वन मोर देन वन सब वन और मोर देन वन है ए में है सब वन और बी में है मोर देन वन अभी से हम लोग समझते हैं नीचे द वर्ड्स गिवन अंडर ए रेफर वन पर्सन और थिंग मीन्स वे शब्द जो ए के अंडर में दिए गए हैं वो एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है ठीक है ये सब जो वर्ड्स है वो एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध करा रहा है उसी को एक ही को डिनोट कर रहा है है ना द वर्ड्स गिवन अंडर बी रेफर मोर देन वन पर्सन और थिंग मीन्स वे शब्द जो बी के अंडर में दिए गए हैं वो एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध करा रहा है ठीक है एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध है ना यहाँ पे दो भी हो सकते हैं तीन भी हो सकते हैं बहुत सारे भी हो सकते हैं है ना दस पंद्रह बीस जितने भी बट एक से अधिक होंगे मोर देन वन होंगे तो वो होगा मोर देन वन तो अब देखिए यहाँ पे क्या समझ में आया कि दो कैटेगरी यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को है ना स्क्रीन पे एक है जो सिंगल वन है और दूसरा है जो मोर देन वन है है ना जो ज़्यादा है तो इस तरीके से हम लोग को समझ में आया कि नंबर्स जो है वो दो तरह का हो सकता है एक वन और एक मोर देन वन तो दोनों का नाम क्या दिया गया है तो कॉपी निकालिए और टॉपिक लिखिए सबसे पहले टॉपिक लिखिए सिंगुलर नंबर्स इसे हिंदी में एक वचन बोला जाता है ठीक है सिंगुलर नंबर्स एक वचन द वर्ड्स रेफर वन पर्सन और थिंग और सिंगुलर वर्ड्स मीन्स ऐसे शब्द जो एक एक ही व्यक्ति या वस्तुओं का बोध कराता हो उन वर्ड्स को एक वचन शब्द बोला जाता है ठीक है वे शब्द आई रिपीट अगेन वे शब्द जिससे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उन सभी शब्दों को एक वचन शब्द बोला जाता है मीन्स एक ही शब्द जिसमें होता है उसे एक, एक वचन शब्द दे आर कॉल्ड एज सिंगुलर नंबर्स तो इसलिए उन्हें सिंगुलर नंबर्स बोला जाता है हिंदी में एक वचन बोला जाता है ठीक है जैसे ऊपर के कॉलम ए में है बुक बेंच बॉक्स टॉय मैन ये सब एग्जाम्पल में लिख लेंगे नीचे नेक्स्ट है प्लुअल नंबर्स अगला टॉपिक दीजिए एक्स्ट्रा लगा के प्लुअल नंबर और कॉपी में नोट कीजिए द वर्ड्स रेफर मोर देन वन पर्सन और थिंग और प्लुअल वर्ड्स मीन्स वैसे शब्द वे शब्द जो एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराता हो तो उन शब्दों को बहुवचन शब्द कहा जाता है ठीक है जो एक से अधिक का बोध कराता हो तो दे आर कॉल्ड एज प्लुअल नंबर्स तो उन्हें प्लुअल नंबर के रूप में भी कहा जाता है प्लुअल नंबर मीन्स बहुवचन इसे हिंदी में बोलते हैं ठीक है तो समझ में आया जो एक ही का बोध कराता हो वो सिंगुलर नंबर जो एक से अधिक का बोध कराता हो वो प्लुअल नंबर ओके तो दोनों को आप नोट कर लेंगे तो इससे समझ में आया देर आर टू काइंड ऑफ नंबर्स कि नंबर्स के कितने काइंड्स होते हैं कितने प्रकार होते हैं तो दो प्रकार होते हैं एक सिंगुलर और एंड प्लुअल ठीक है सिंगुलर जो एक को डिनोट करता है प्लुअल जो एक से अधिक को डिनोट डिनोट करता है आई होप कि इतना में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर प्रॉब्लम है तो मैसेज करके मुझे ज़रूर पूछेंगे है नब आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अब सवाल उठता है कि सिंग सिंगुलर से प्लुअल में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे है ना तो कन्वर्ट करने का एक ही रूल नहीं होता है इसके बहुत सारे रूल्स होते हैं नियम होते हैं तो कुछ जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे धीरे धीरे है ना तो आज के क्लास में हम लोग एक या दो रूल्स को पढ़ते हैं और ध्यान से समझते हैं है ना बहुत काम देगा सीनियर क्लास में इसलिए इसे ध्यान से देखेंगे रूल्स टू चेंज सिंगुलर नाउन्स इंटू प्लुअल नाउन्स अब हम लोग सिंग, एक वचन संज्ञा को बहुवचन संज्ञा में कन्वर्ट करने के लिए बदलने के लिए नियम देखेंगे है ना कि सिंगुलर को प्लुएल में कैसे कन्वर्ट करें ठीक है तो सबसे पहला रूल क्या है जनरली बाय एडिंग एस टू सिंगुलर नंबर्स जनरली क्या होता है ना सामान्यतः कि सिंगुलर नंबर में नाउन में जो वर्ड होते हैं सिंगुलर नाउन उसमें हम जनरली एस लगा के प्लुएल बनाते हैं जैसे कैट में एस लगा दिए कैट्स बुक का बुक्स एलिफेंट elephant का एलिफेंट्स पेन pain का पेन्स लेग का लेग्स ठीक है तो जनरली एस लगाते हैं अब कभी कभी बाय एडिंग एस अब सेकेंड समझते हैं बाय एडिंग एस सॉरी तो ई एस अब ई एस किस कंडीशन में लगता है प्ल बनाने के लिए इफ एनी सिंगुलर नाउन इंडस इन सी एच एस एच एक्स डबल एस एस द प्लूरल फॉर्म इज़ फॉर्म्ड बाय एडिंग ई एस टू द सिंगुलर नाउन अब यहाँ ध्यान से समझिएगा कि कभी भी अगर कोई भी वर्ड हो ना नाउन हो उसका लास्ट वाला वर्ड्स जो है लास्ट वाले वर्ड्स वो ये सब में से कोई रहे जैसे लास्ट में सी एच रहे या एस एच रहे या एक्स रहे या डबल एस रहे या एस रहे, रहे तो उसका जब हम लोग प्लूरल बनाएंगे तो उसमें ई एस ऐड करेंगे ठीक है ई एस लगा करके तब प्लूरल बनाएंगे जैसे यहाँ पे बेंच चा का उच्चारण है और यहाँ देखिए लास्ट में सी एच है तो यहाँ ई एस लगाएँ बेंचेज़ हो गया बस यहाँ पे एस एच है, है ना जो ऊपर कंडीशन दिया गया है तो उसमें भी ए सी एस, एस लगाएँ ठीक है बसेस बॉक्स बॉक्सेस क्लास क्लासेस बस बसेस ठीक है तो ये सब जो लास्ट में अगर ये सब किसी भी नाउन के लास्ट में रहेंगे तो उसमें ई एस लगा करके हम प्लूरल बनाएंगे ठीक है अब यहाँ पे एक चीज़ में देखिए एक एक्सेप्सन दिया गया है कुछ बट इफ़ सी एच इज़ प्रोनाउंस्ड एज के एज के देन टू मेक प्लूल द मार्कर एस इज़ एडेड तो एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जैसे बेंच में सी एच लगा हुआ है तो वहाँ पर बेंच का चा का उच्चारण है लास्ट में तो अगर उस सी एच का उच्चारण किसी वर्ड में का क का, का, का हो मतलब तो लास्ट में क अगर सी एच है बट उसका एक प्रोनाउंसिएसन का हो रहा है तो उसमें हम ऑनली एस ही लगाएँगे ई एस नहीं लगाएंगे ठीक है जैसे स्टोमक इसे स्टोमच नहीं पढ़ते हैं स्टोमक पढ़ते हैं तो इसमें एस लगाते हैं स्टोम्स मोनार्क मोनार्क्स ठीक है तो ये सब ध्यान दीजिएगा तो ये था दो रूल तो आज के वीडियो में दो रूल ही समझिए बाकी नेक्स्ट वीडियो में बाकी रूल्स जो है वो मैं समझाऊंगा और इतना ये रूल्स जो है वो आप लोग नोट कर लीजिए अपने कॉपी में है ना और ऊपर जो सिंगुलर और प्लुअल नंबर जो लिखने बोले थे वो आप नोट कर लेंगे जैसे कि यहाँ पे ये आप नोट कर लेंगे देर आर टू काइंड्स ऑफ नंबर्स सिंगुलर नंबर्स प्लुअल नंबर्स अब सिंगुलर नंबर का डेफिनेशन देंगे है ना लिख लेंगे और फिर प्लुअल नंबर का डेफिनेशन लिख लेंगे विथ एग्ज़ाम्पल यहाँ पर सिंगुलर नंबर का जब डेफिनेशन लिखेंगे तो उसके नीचे एग्जाम्पल में ये सब एग्ज़ाम्पल दे दीजिएगा ठीक है फिर प्लुअल नंबर का जब डेफिनेशन लिखेंगे उसके नीचे एग्ज़ाम्पल में ये सब एग्ज़ाम्पल दे दीजिएगा जो बी कॉलम में है ठीक है उसके बाद अब समझ गए कि नंबर्स जो है वचन जो है वो दो तरह के होते हैं सिंगुलर एंड प्लुअल है ना तो हम लोग आज दो रूल भी पढ़े कि एस कहाँ लगाया जाता है जनरल कंडीशन में एस लगाया जाता है और कुछ स्पेशल कंडीशन होते हैं जिसमें लास्ट में नाउन के लास्ट में ये सब वर्ड आएंगे तो उसमें प्लुअल बनाएंगे ई एस लगा करके ठीक है और जिसमें सी एच हो बट उसका प्रोनासीसन से हो तो उसमें ओनली एस ही लगाएंगे ठीक है तो आई होप कि इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा अगर नहीं समझ में आया तो आप लोगों से मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझसे पूछा जरूर कीजिए और होमवर्क सब लोग नहीं बनाते हैं उसे बना करके आप लोग सेंड किया कि जी आप लोग का स्किल बढ़ेगा इससे है ना हम लोग बनाना अच्छा बात अच्छी बात होती है ना तो आई होप कि वीडियो समझ में आया तो आज के वीडियो में इतना ही थैंक यू